हेलो दोस्तों, आप सबों का मुकेश मैथ ट्रिक चैनल में स्वागत है। आज आप सबों को इस टाइम एंड वर्क का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि बारी बारी से अल्टरनेट वाला वह क्वेश्चन चलेंगे। इससे पहले आपका पार्ट वन से लेकर पार्ट सिक्स तक वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें आपका पहला वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट और पार्ट टू से लेकर आपका पार्ट सिक्स तक में आपका इसका टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम क्लास चलाएगा। आप उस वीडियो को भी देख लें। चलिए हम लोग आज का क्लास में आरंभ करेंगे कि बारी बारी से यानी अल्टरनेट। अल्टरनेट वाला क्या होता है कि एक व्यक्ति आपका दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या इससे ज़्यादा व्यक्ति का चर्चा रहता है, तो आपका इसमें होता क्या है कि दोनों व्यक्ति जो एक साथ मिलकर काम नहीं कर बारी बारी इसका काम करता है। पहला व्यक्ति काम करता है तो दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति जब काम करता है तो आपका पहला व्यक्ति बैठा रहता है। तो इस तरह से तब कहता है काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से, बारी बारी अल्टरनेट। तो यह सब जो क्वेश्चन जो आपको आज बता रहे हैं वह प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ, वह सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए, आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन वन कि साई किसी काम को 17 दिन में समाप्त कर सकता है। साई है किसी काम को 17 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बिंदु बिंदु जो है किसी काम को आपका 51 दिन में समाप्त कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन फिर काम करता है, और तब कहता है काम समाप्त होने पर यह क्रम जारी रहता है। पहला दिन साई काम किया, दूसरा दिन बिंदु, तब यह क्रम भी जारी रहता है। इसका मतलब पहला दिन काम कर रहा है साई, तो फिर बिंदु बैठा हुआ रहती है, फिर बिंदु काम करते तो साई बैठा हुआ रहता है। तो इस तरह से तब कह रहा है बताएं कि तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेंगे। अब देखिए इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, हो गया कितना 51 हो गया एलसीएम। 51 काम पूरा करना है, कुल काम ये क्या निकला 51, यह कुल काम हुआ कुल काम। अब इसको भगा दीजिए, 17 कितना हो गया 51, 3 बार में खाया और ये 51 भगा इतना एक बार में खाया, अब इसको 3 काम हो गया और इसका 1 काम हो गया। इसका मतलब हुआ कि साई का एक दिन का कार्य क्षमता, किसका साई का, आपका साई का एक दिन का कार्य क्षमता 3 काम कर सकता है। साई जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, उसी तरह बिंदु जो है एक दिन में 1 काम कर सकती है। तो इस तरह से आप सब समझिए, और उसको टोटल काम कितना करना है 51 काम पूरा करना है। एक कार्य क्षमता है और मिल आपका टोटल 51 काम पूरा करना है, तो वही कर रहा है बताएं कि सारा काम कितना दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए, इसलिए आपको एक बार विस्तार से लिख देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट बनाइए। 51 भागा जोड़िए 3 काम जोड़ 1 काम, 3 1 कितना हो गया 4, 4 से भगा दिए। तो भगा देने के लिए सीख लीजिए 51 है, 51 भगा कर देंगे 4, खिला दीजिए बच्चों को 48, 12 बार में खा गया आपका कितना बचा 3। अब देखिए, अब जो है यह 3 काम अभी भी बचा हुआ है, यह 12 दिन लगा, 12 दिन में जो है आपका 48 काम किया, तो उसमें भी जो 3 दिन 3 काम बचा हुआ था। अब बताइए व्यक्ति के वो था दो व्यक्ति साई बिंदु, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 12 दिन 24 दिन, 24 दिनों, क्योंकि व्यक्ति 2 गो था तो 2 से गुना किए, 3 व्यक्ति रहता 3 से गुना करते हैं। अब देखिए 3 काम बचा हुआ है, अब पहले यह देखें काम आरंभ किसने किया है, वह चीज़ देखना पड़ता है। देखिए आप क्वेश्चन है काम किसने आरंभ किया है, कहता है यदि साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन, शुरुआत जो करेगा शुरुआत कौन क्या है साई, तो साई का एक दिन का काम 3 काम कर सकता है, तो साई एक दिन का काम कितना है 3 काम। तो अगर 3 काम यह लीजिएगा, 3 से हम लोग 3 काम हो गए, तो 3 3 तो कट गया, अब तो काम बचा नहीं, यह कौन क्या साई, तो साई का जो है साई का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम जो कर लिया ये कितना काम किया 3 काम, तो यही एक दिन जो है इसमें जुट जाएगा, तो 24 से कितना हो गया 25 दिन। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर आपका 25 दिन आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। बारी बारी से क्वेश्चन समझेंगे, आप देख लीजिए यह क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्वेश्चन आपका 20/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में, और यह जो ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप का इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हो, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है, और यह क्रम पूरे होने तक जारी रहता है, यानी कि वही अल्टरनेट कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, यह क्रम जारी रहता है। तो बताएं कुल कितने दिनों में, तब बताएं कि
पूरा काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे यही कह रहा है। अब वही कीजिए, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 हो गया। तो आपको टोटल 30 काम पूरा करना है, तो 10 10 दिया 30 30 का 30। अब देखिए वही कीजिए, 30 बटा 3 1 4, 4 से भगा दीजिए, भगा देने के लिए सीखिए, 4 से भगा देंगे, 7 चौक 28 हो गया। अब इसको दो काम अभी बचा है, व्यक्ति दो गो था तो 2 से गुना 14 हो गया, बराबर 14। अब देखिए यहाँ पर दो काम बचा हुआ है, और ए का एक दिन का कार्य क्षमता 3 काम था, बी का एक दिन का कार्य क्षमता 1 काम था। अब आरंभ किसने किया है वह देखना है आपका काम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि यदि पहले दिन एक काम आरंभ करता है, ए का जो है ए एक दिन में 3 काम पूरा करता है, लेकिन काम उसको 2 काम पूरा करना है, तो तब कितना दिन लगेगा, तो 2 को ऊपर और 3 को नीचा, 2/3 दिन में 2 काम पूरा कर देगा, कौन, ए। यानी कि समझे इसको, यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता 3 काम था, तो उसको 2 काम पूरा करना, दिन करना 2/3, यानी छोटा वाला को ऊपर बड़ा वाला को नीचा दे इतना। अब इसमें जो जोड़ दीजिए +2/3, अब प्लस हटा इसको पूर्णांक में कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इतना दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ऊपर देखिए ऊपर छोटा नीचे आपका बड़ा रहे, प्लस हटा पूर्णांक में कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझे, जैसे आप लोग इसे बनाते होंगे कि आपका इस तरह से 45 प्लस आपका 47 47/49 दे दिया, इसको 45 को हटाइए, प्लस हटा के इसको पूर्णांक में कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, उसी तरह आप भिन्न का जोड़ने के लिए डायरेक्ट कर लीजिए इसको, ये समझाने वास्ते इतना किया। चलिए क्वेश्चन समझेंगे, तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, 14 पूर्णांक 2/3, आपका यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये भी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ था 29/10/2018 को। चलिए हम लोग क्वेश्चन में तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन में तीसरा देखिए क्या करा, आपका बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटों में एक खेत में लगी फसल को काट सकता है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, दो व्यक्ति कुलदीप है और अगरकर है, कुलदीप करेगा तो 8 घंटा लगेगा और अगरकर करेगा तो आपको 12 घंटों में एक खेत में लगी फसल की काट सकता है। वे 1 घंटे के कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम, वैकल्पिक रूप का अर्थ हुआ कि बारी बारी से काम कर रहा, यानी ये पहला व्यक्ति काम कर रहा, दूसरा व्यक्ति काम करेगा, पहला बैठेगा, इस तरह से घंटा में आपका दिया हुआ है, तो बारी बारी से काम करता है, तब कहता बताएं कि उसमें से कुलदीप, कुलदीप जो है 9 AM मतलब सुबह 9 बजे जो है कार्य आरम्भ करता, तो कटाई कब खत्म हो जाएगा, काम आरम्भ कर रहा तो कटाई कब खत्म हो जाएगा। अब देखिए कुलदीप के बारे में कह रहा था, समझेंगे ध्यान से, उसी का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाए एलसीएम, 24 हो जाए, 8 या 24, आपको 12 दो 24 भगा दीजिए, 24 भगा 5 कर देंगे, 3 दो 5 हो गया। जब आप भगा देते हैं इसमें से तो आपको कितना आ जाएगा, तो 24 भगा 5, देखिए 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति था तो 2 से गुना, 4 दुना 8 हो गया। अब देखिए कुलदीप का जो है एक दिन का काम कितना था, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना था, 3। अब इसको 3 से कर देंगे, जब 3 कर दिए तो आपको कितना बच गया, तो अभी भी 1 काम बचा हुआ है, कुलदीप का 1 घंटा का काम था यह 3 काम, तो आपको 1 घंटा इसमें जोड़िए, 8 1 9, जब 9 हो गया अभी भी 1 काम बचा हुआ। अब कुलदीप जब काम कर लिया तो अब कौन करेगा, अगरकर। अब अगरकर का जो है 1 घंटा का कार्य क्षमता जो दिया हुआ है कितना, 2 है, तो अब यहाँ 2 काम, अब आपका 2 काम है, यहाँ पर 1 काम है, तो अब बताएं इससे 1 काम क्या छोटा है, बड़ा है, 1 को नीचा, 2 को आपका, 1 को ऊपर, 2 को नीचा, इतना घंटा होगा। अब आप इसमें जोड़ दीजिए, तो इतना बराबर आपका हो गया 9.5 घंटा, 9 पूर्णांक 1/2, इतना घंटा हो गया 9.5 घंटा। अब देखिए आपका यह जो हुआ 9.5 घंटा, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 9 AM को स्टार्ट किया था, 9 AM सुबह को, 9 AM मॉर्निंग में स्टार्ट किया, अब इससे आपको 9.5 घंटा आगे चल जाना है। जब आप 9.5 घंटा आगे जाएंगे, देखिए 9 AM 9 घंटा आगे जाइए, 9 9 18 18 हो गया, तो 0.5 घंटा और, तो 18.5 18 क्या पढ़ते हैं, 6.5 नहीं होता है आपका, 18.5 कितना पड़ेगा, 6.5, तो यही हो गया 18 को पड़ेगा 6.5 बजे, 6.5 बजे, लेकिन शाम हो जाए तो आपका PM आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ था, टाइम पर आधारित था, तो इस तरफ बना लेना, समझेंगे क्या किए इसको, इसमें जो है आपको जैसे इतना घंटा था, आप 9 AM से इतना घंटा आगे चल जाइए तो आपको चले गए 9 9 18, तो 18.5 बजे, तो 18.5 बजता है, आप क्या कर दीजिए उसको 6.5 बज गया उसको, जो कि 12 6 कितना हो गया 18,
यही बात सारे, लेकिन शाम हो जाएगा। मिला लीजिए इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 6:30 PM। उम्मीद है क्वेश्चन समझे, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अरुण और अमित एक काम को क्रमशः, चौथा हम देखिए अरुण है और अरुण कर रहा है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, और यह अमित किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, यह 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन। इसका एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाए, 36, 36 9 चौक 36, 12 36। अब एक अरुण का कार्य क्षमता एक दिन का जो है 4 काम है, और आपका अरुण था और अमित था, तो आपका हो गया अरुण और अमित, ये अमित है, अमित है, तो अमित का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 3 काम, अरुण का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 4 काम है। तब अगर यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा अमित शुरुआत करे, तो कार का 35/36 भाग कितने दिनों में काम पूरा हो जाए। अब देखिए 36 काम नहीं हो कहकर आपको कर 36 काम पूरा नहीं करना है, 36 का टोटल कुल कार्य कितना है, यहाँ देखिए कुल कार्य आपका लिखा हुआ 36 काम, लेकिन आपको 36 काम पूरा नहीं करना है, इस काम का कार्य का 35/36 काम पूरा करना है। इसका मतलब आपको 35 काम पूरा करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कुल कार्य का आपको जो है 35/36 काम करना है, काम कितना 36/35 कर दिया, कट गया 35 काम पूरा करना। अब वही कीजिए, जोड़िए 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7, 7 से भगा दीजिए, ये तो कट रहा है, 7 5 35, 5 बार में कट गया। व्यक्ति कितना है, एक अरुण और अमित, 2 व्यक्ति है, अरुण और अमित 2 व्यक्ति, तो 2 से गुना, तो आपको 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही लास्ट में क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा था, बताएं कि 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो यही 10 दिन। समझेंगे पहले क्या करते हैं, 35 काम पूरा करना था, 4 3 7 से भगा दिए, 7 5 35, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना, 3 व्यक्ति रहता तो 3 से गुना, तो इस तरह से आपको बनाना हो। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग समझेंगे, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम 5 लेते हैं आपका, यह क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ 3 व्यक्ति वाला लिए, इससे पहले आपको 2 व्यक्ति वाला बता दिए, अगर आपका 3 व्यक्ति वाला रहेगा तब कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC एक काम को क्रम से 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी काम बारी बारी से करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में समाप्त, तो पूरा काम कितने दिन, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए आपका ए है, बी है, सी है, ए 12 दिन, बी आपको कर रहा था 15 दिन, और सी कर रहा था 20 दिन में, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 5 60, 15 6 60, 20 3 7। अब बताइए ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, कितना काम कर सकता है, 5 काम, बी 4 काम, और सी कितना काम कर सकता है एक दिन में, 3 काम, और टोटल कुल कार्य आपको दिया हुआ है, ये कुल कार्य हुआ, कुल काम कितना करना है आपको, 60 काम पूरा कर, कुल काम आपको जो है 60 काम करना है। अब देखिए जब कुल कार्य आपको 60 दिया हुआ है, तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यही 60 लिखिए यहाँ पर, जोड़िए कितना कार्य क्षमता है तीनों का, 5 4 9 3 12, 12 से भगा दे देंगे, 12 5 60, ये तो कट गया, जब कट गया अब व्यक्ति कितना था, 1 2 3, ये भी से 3 व्यक्ति था, तो 3 से गुना, 5 3 15 दिन, तो सारा काम जो है 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ तो हर बार 2 से नहीं गुना कीजिएगा, 3 व्यक्ति 3 से गुना करेंगे, 4 व्यक्ति रहेगा 4 से गुना करेंगे, 2 व्यक्ति रहेगा तो 2 से गुना करेंगे। समझेंगे इस क्वेश्चन को, ABC में इस तरह से आपका क्या करना, 12 15 20 लिए एलसीएम 60, भगा कर दिए, भगा करने के बाद आपका कुल कार्य जो आपको 60 निकला, ए का बी का सी का कार्य क्षमता अलग अलग है, जोड़ देंगे 5 4 9 3 12, भगा दीजिए 5, आपको कट गया 12 5 60, 3 व्यक्ति था 3 से गुना, तो आपको यही हो गया 5 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप सबों के बीच जो प्रीवियस ईयर NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए, उम्मीद है ये क्वेश्चन वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए सबों को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।